आई लव यू सो मच। सर आपका कार्ड ब्लॉक्ड है। क्या? नहीं 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 नहीं, जरूर कोई गलती हो गई होगी, देखो दोबारा कोशिश करो। क्या अब क्या हुआ? मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, मैंने सारे पैसे गंवा दिए। जैसिका शायद डिनर के पैसे अब तुम्हें भरने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं कोई पेमेंट नहीं करने वाली हूँ और ना ही किसी गरीब आदमी से शादी करूँगी। एक्सक्यूज मी सर मैम, अगर बिल पे नहीं करेंगी तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो ठीक है, टेबल बुक किसने की? इसने। खाना और शैंपेन किसने ऑर्डर किया है? इसने। तो आप इसे अरेस्ट कीजिए। पर मैम आपने साथ में डिनर किया। ओह, एक गरीब दूसरे गरीब की मदद कर रही है। पर जैसिका, ठीक है मैं पुलिस को बुला रही हूँ। ओके, मैं पे कर दूंगी। तुम क्या? पर क्यों? ठीक है पे कर दो। मुझे इस सब के लिए माफ करना। देखो तुम ये घड़ी रख लो, इसकी कीमत बिल से 3 गुना ज्यादा है। और I'm sorry. Thank you. Bye. उस पल मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत हमें साथ क्यों लाई है, और ना ही इस बात का अंदाजा था कि ये कंगाल बिलियनर मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। मैं हूँ शेरन और ये है मेरी लव स्टोरी। जैक, जैक प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरी बात सुन रहे हो ना जैक, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बाय, कल मिलते हैं। हाँ, बाय। जैक, हेलो जैक। तुम्हें क्या लगता है, मैंने अभी अभी फ्रेंच शैंपेन 2 बॉटल्स पी हैं और महंगा डिनर किया और घर तक जाने के लिए पैसे नहीं? देखिए मैं आपको और पैसे तो नहीं दे सकती, पर आपको घर तक छोड़ सकती हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी दरिया दिली मेरे कितने काम आएगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हम टैक्स ऑफिस से हैं। आपके घर को सीज किया जाता है, आपको यहाँ से जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरा है। सर अगर आपने अंदर जाने की कोशिश की तो गिरफ्तार हो जाएंगे। ओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तार करोगे करो, गिरफ्तार ना, गिरफ्तार करो। क्या हुआ? ये बस थोड़ी परेशानी में है। मार्टिन, ये अंदर कैसे पहुंच गई? आपकी फियांसे अपना सामान ले रही है। ये मेरी फियांसे नहीं है। क्या ऑफिसर, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं हूँ उनकी फियांसे। क्या ये सच है? हाँ? I'm sorry ma'am, लेकिन आप ये सूटकेस नहीं ले जा सकते। क्या? मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला हूँ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं इसके फियांसे हूँ, ये मेरा सामान है। तुम बहुत पछताओगे। तुमने मुझे फिर से बचा लिया। वैसे चलो चलते हैं। पर कहाँ पर? मेरे घर। तुम्हें सोने की जगह चाहिए ना? क्या तुम पागल हो? तुम मुझे जानती तक नहीं, मैं कोई सनकी या कातिल भी तो हो सकता हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं कराटे जानती हूँ और उससे बहुत नुकसान होगा। कहने को लोग मुझे पागल ही कहते। मैं एक मिलियनेयर को, जो भले ही अब कंगाल हो चुका था, अपने छोटे से घर ले जा रही थी। माफ कर, हर हाल में इसकी भरपाई जरूर करूंगा, क्यों ना इसकी शुरुआत यहीं से की जाए। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास कुछ टूल्स हैं? एक मिलियनेयर ने हथौड़ा पकड़ना कब से सीख लिया? ओह, लेकिन तुम बिल्कुल भी चौंकना मत, मुझे हथौड़ा पकड़ना आता था तभी मैं मिलियनेयर बन पाया। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरा मतलब थी।
बहुत अजीब बात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पति के साथ रह रही थी। इस कंगाल आदमी के साथ भी मैं बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसमें वो आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन था जो हर लड़की अपने पति में देखने की उम्मीद करती है। क्या ये मेरा ही घर है? हाँ, तुम्हारा ही है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, पर इसके लिए पैसे कहाँ से? वो मुझे कहीं से पैसे वसूल करने थे। इतना ही नहीं, सरप्राइज कुछ खास है, तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। चलो जल्दी करो, ठीक है? ठीक है। वो मुझे हर दिन सरप्राइज करता था, लेकिन उस रात थोड़ा और थोड़ा इधर, डडंग। क्या तुम्हें किसी रेस्टोरेंट के शेफ से भी वसूली करनी थी? ओ, नहीं 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 नहीं, नहीं। शेफ नहीं, ओनर से। पर हाँ, वैसे मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। मातम, इसकी क्या जरूरत थी? मैं हैरान थी कि मैं किसी अजनबी के इतने करीब आ गई थी। क्या ये इसलिए हो रहा था कि हम दोनों के पास ही पैसे नहीं थे, या इसलिए हो रहा था कि हम एक दूसरे को एक अलग नजर से देख रहे थे? क्या तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके? वैसे है। वेल, मतलब था। जैक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वो भी बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़कर चला गया जब मेरे पास पैसे नहीं बचे। लेकिन फिर मुझे तुम मिली। चलो भी, मैं तो बस एक वेट्रेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कोई आम या साधारण लड़की नहीं हो, शरण। सोचो कि एक लड़का है जो कंगाल है और जिसने अपना घर और दोस्त खो दिए, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हो, तो तुम क्या कहोगे? अगर वो तुम्हारी तरह है तो मैं उससे बोलना चाहूंगी कि मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ कल रात 8 बजे। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी और उसके साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन ये अच्छा सपना एक डरावना सपना बन गया। जैक, तुम ही बताओ और मैं क्या करती? देखिए, आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल जाएगा कि वो रिपोर्ट झूठी है और मार्टिन ने कुछ नहीं चुराया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी तिजोरी खोलनी होगी। वहीं पर वो सबूत हैं जो उसे सही साबित कर सकते हैं। वो पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, लेकिन उस तिजोरी की कोई चाबी नहीं है। पता नहीं, शायद कोई मैग्नेट या कोड हो। वो जो भी हो, तुम्हें उसके घर जाकर ढूंढना होगा। हाँ, लेकिन उस चालाक लड़के की वजह से अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती हूँ। कौन सी लड़की? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बहुत सारे कस्टमर्स हैं, काम करो। वो लड़की। क्या? अब तुमने क्या किया? इधर आओ। इधर आओ। मुझे जाने दो। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। जैक, जेसिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने तुम्हें फंसाया है। मुंह बंद रखो। क्या कहा? तुम इससे दूर रहो। तुम क्या ही कर लोगे मेरा? हाँ, अपनी हद में रहो, और अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं अपने साथ सबको डुबा दूंगा। सुनो दोस्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मैं तुम्हारा सब कुछ खोने का नजारा देखूंगा जैसे मैंने खोया था। गुड लक। मेरे लिए तो रुको। मेरे पीछे मत आना।
अब इन सबके पैसे कौन भरेगा? तुम भरोगी? देखो अब तुम्हारी परेशानियां रेस्टोरेंट में आ रही हैं। माफ करना पर अब तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। शरण, शरण, मुझे माफ करना। देखो मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली गई। लेकिन तुमने भी तो कितना कुछ खोया है, पैसे और किसी तिजोरी की चाबी। हाँ, यह है कि याद है तुम्हें उस रात जब मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी? वेल, वो घड़ी ही उस तिजोरी की चाबी है। लेकिन तुमने वो बेच दी होगी तो कोई बात नहीं। मैंने नहीं बेची। पर तुमने इसे बेचा क्यों नहीं? क्यों? ये मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। जानती हो शरण, एक और काम है जो मुझे करना है। क्या? मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि सच्चे प्यार में पैसों का कोई मोल नहीं। आखिर प्यार है ही इतना अनमोल।